नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजवंदनी शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। शादियों का एनआरआई को कुछ ऐसा शौक चढ़ा कि उसने एक और दो नहीं बल्कि चार शादियां कर डाली। शादियों के शौकीन के खिलाफ चौथी पत्नी ने दहेज की शिकायत की थी। इस बार वह पांचवी शादी करने की तैयारी में था। उससे पहले ही चौथी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़ित महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक निवासी एनआरआई नरेश कुमार अमेरिका में रहता है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले थाना टोहना में नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी नरेश कुमार ने 3 शादी पहले ही कर रखी थी और चौथी शादी उसकी फरवरी 2019 में हुई थी। शिकायतकर्ता महिला ने खुद को नरेश कुमार की चौथी पत्नी बताया है। पीड़ित महिला स्वीटी ने आरोप लगाया है कि आरोपी नरेश के साथ उसकी मुलाकात 2018 में हुई थी। उस दौरान आरोपी ने अपनी पहली शादी के बारे में बताया था। वहीं 8 फरवरी 2019 को नरेश ने फोन किया कि वह उससे शादी करना चाहता है और 18 फरवरी को शादी फाइनल कर दी गई। 18 फरवरी को शादी के बाद वह नरेश के साथ रोहतक चली गई। वहीं शादी के 1 महीने बाद ही उसका पति अमेरिका चला गया और इसी दौरान पति उसके सारे जेवरात भी अपने साथ ले गया। फिर नरेश स्वीटी से और पैसों की मांग करने लगा। जब स्वीटी ने रकम देने में असमर्थता जताई तो उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। स्वीटी को किसी तरह सूचना मिली कि उसका पति पांचवी शादी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। आपको बता दें कि टोहना के डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने उस पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसी के चलते अमेरिका से रोहतक पहुंचे एनआरआई नरेश को टोहना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी एनआरआई को पुलिस टोहना ले आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद आज की खास खबर में सिर्फ इतना ही। मैं राजनंदनी आपसे विदा लेती हूं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।